ग्राउंड फ्लोर पर एक लड़की थी और फर्स्ट फ्लोर पर मैं। फर्स्ट टाइम इतने दिनों में मुझे किसी से प्यार हो गया था। और तभी मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसके सुंदर आंखें देखकर मैं वहीं पर रुक गया। मेरी इच्छा थी कि वो मेरी ही क्लास में आए, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसी समय मैं तुरंत अपने क्लास के लिए भागा। तब से मैं बस उसे घूरने लगा, लेकिन उसने मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा था। लेकिन मैं उससे प्यार तो बहुत करता था। क्लास स्टार्ट हो रही थी और एंड हो रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बस उसी के ऊपर था। एक दिन कॉलेज ने एक स्पिरिचुअल कंपटीशन रखा था। उस दिन मुझे स्टेज मिला अपना टैलेंट परफॉर्म करने के लिए। तब उसने मुझे देखा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे लगता है बहुत से लोगों को शराब की लत लग जाती है और ये लत बाद में आदत बन जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। स्पेशली हमारे यूथ को इस खतरे से बचना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि ये लड़के कैसे औरतों के साथ मिसबिहेव करते हैं। हाल ही में मैंने 3-4 ऐसे केसेस देखे हैं। औरत को रिस्पेक्ट दिए बिना उससे बात करना और उससे भी बढ़कर उन्हें मारना, ये सारी हरकतें करने वाले कोई अनपढ़ नहीं है, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। देखिए, इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, औरतों को हर तरीके से बचाइए। मेरी बातों से अगर आपको ठेस पहुंची है तो मैं आप सबको सॉरी बोलता हूं। जय हिंद। थैंक यू, सॉरी। उस दिन मैंने स्टेज पर जो कुछ भी बोला था उससे वो इंप्रेस हो गई थी। और उसके अगले दिन मुझे? हाँ, तुझे ही। हाँ बोलो बोलो। कल जो तुमने स्पीच दिया ना, वो बहुत अच्छा था। अच्छा, ऐसी बात है। थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों के बीच बिना किसी डर के स्टेज पर खड़े होकर तुमने बहुत सही मुद्दा उठाया। हैट्स ऑफ टू यू। मिस्टर राजा हरिश्चंद्र कृष्ण प्रसाद। ये क्या, तुम्हें मेरा नाम भी याद है? अब भला कोई तुम्हारा नाम भूल सकता है? रियली अप्रिशिएट यू। हेलो। मुझे तो जाने दो। कैच यू लेटर। ओके। कबाब में हड्डी, मैं तो उसका हमेशा पीछा करता था। हम दोनों लव बर्ड्स बन चुके थे। मैं बस अपने प्यार के बारे में उसे बताने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे दिन उसके घर से एक मैसेज आया। इंदु, यू कैन गो। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चंद्रायन 2 इन 2019। राव सर, आप बात क्या है? तुम्हारे घर से ऑफिस में फोन आया था बेटी, तुम्हारे पापा बहुत सीरियस हैं, प्रगति हॉस्पिटल में एडमिट है, परमिशन लेकर चली जाना।
So in the next class we will be sir, discussing other subject मेरे and पापा we... को हॉस्पिटल में एडमिट किया है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है. क्या मैं राजा को अपने साथ ले जा सकती हूँ? With your permission, please sir. Okay इंदु, राजा इसके साथ जाओ. देखो टेंशन मत लो, प्लीज पापा को कुछ नहीं होगा. खून देने के लिए हॉस्पिटल में स्टॉक भी नहीं है. विच ग्रुप इंदु? एबी पॉजिटिव. ओके रिलैक्स. अरे शिवा अभी कहाँ है तू? अच्छा अर्जेंटली प्रगति हॉस्पिटल में आ जा. या फास्ट. नर्स डॉक्टर इन पेशेंट्स को तुम देखो, तब तक मैं राउंड्स पे जाके आता हूँ. उस दिन से उन्होंने मुझे अपने फैमिली पर्सन की तरह ट्रीट किया. इंदु, मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है बताओ? इंदु खेल क्यों रही हो? स्किन फिट चूड़ीदार? नो. शर्ट और स्किन फिट बॉटम? नो. दिल की बातें और मेरी फीलिंग्स मैंने तुम्हें बता दी है राजा. मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, मुझे अपनी गिफ्ट की तरह स्वीकार कर लो. आई लव यू सो मच राजा. क्या सोचकर तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो? अगर मैंने धोखा दिया तो? तुम मुझे धोखा दोगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती राजा. मुझे बस तुम्हें अपने मन की बात बतानी थी. थैंक्स अ लॉट इंदु, तुम्हारा भरोसा पाकर मुझे बहुत खुशी हुई. दरअसल यही बात मैं आज तुमसे कहने ही वाला था. लव योर लॉट इंदु. आकाश और धरती एक हो जाए तो भी मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता. मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है राजा. कॉलेज में एक बालू नाम का लड़का है और वो मुझे जहां भी मिलता है वहां टॉर्चर करता है. उसने मुझे परेशान कर रखा है. चिंता मत करो इंदु, कल से वो तुम्हें देखेगा भी नहीं. माँ बोलो राजा. जरा आओ ना मेरे साथ, आओ. अरे कहाँ ले जा रहे हो? आओ ना माँ, चलो आओ बैठो. कहाँ ले जा रहे हो? आओ बैठो. क्या है ये? अरे बैठो ना माँ. अरे बता तो क्या नाटक लगा रहे हो? यहीं बैठे रहना प्लीज, प्लीज यहीं बैठी रहना, उठना मत. पापा क्या कर रहे हो? क्या हुआ? देखता नहीं किताब पढ़ रहे हो आप? अरे क्या हुआ? द मॉर्गन हाउसल. क्या पापा आपने अभी तक ये खत्म नहीं की? आइए मेरे साथ चलिए. आइए कुछ बता भी नहीं रहा है. ठीक है चलता हूँ. प्लीज प्लीज आइए ना. चल रहा हूँ. प्लीज पापा प्लीज. हाँ
आइए ठीक है बता बैठिए क्या कर रहा है तू बेटा बैठिए 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 बैठ जाइए पता नहीं क्या कर रहा है ये माँ पापा आपने मेरे लिए बिना कोई झिझक के सब कुछ किया है तो अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी एक बात मान लें पर बता तो सही मेरी शादी पापा हाँ शादी क्या शादी हाँ पापा मेरी शादी इस साल मेरी बेटे की पढ़ाई खत्म हो जाए तो उसके बाद शादी करके मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ तुझे किसी से प्यार हुआ है इसीलिए तुझे शादी की जल्दी पड़ी है यही है ना हाँ नहीं पापा शादी के ख्याल से प्यार किया है मैंने तो शादी करनी पड़ेगी अरे पहले पढ़ाई कर नौकरी ढूंढ फिर शादी के बारे में सोच ये सब क्या माँ आपने लड़की को देखा तो दो दिन में शादी का मुहूर्त निकाल दोगी ठीक है ठीक है तेरे एक्साइटमेंट को समझता हूँ मैं देख बेटा पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो फिर उसके बाद मम्मी और मैं एक अच्छा सा मुहूर्त देख कर लड़की की फैमिली से बात करेंगे ओके थैंक यू पापा थैंक यू माँ थैंक यू माँ यस यस देख रही हो इसको अब तो शादी करनी पड़ेगी